तो चलिए शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अभी आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपने देख ही लिए होंगे। तो कोई भी कंपाउंड देख के आप इजीली अभी क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आप एबल है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या तो फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर हम पिछले लेक्चर का कुछ रिवाइज करें तो पिछले लेक्चर में हक्कल ने क्या बोला था? हक्कल ने बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो क्या होनी चाहिए, ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक किसके बारे में, अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करें तो कौन सी फॉलो होनी चाहिए थी? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सी होनी चाहिए थी? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो फॉलो होनी चाहिए थी। तो ये बोला था हकल ने, बोला था किसने बोला था? ये हकल ने बोला था। पर अभी हम लेके आते हैं कहानी में ट्विस्ट। क्या लेके आते हैं हम कहानी में? ट्विस्ट। कैसे? तो मैं आपके सामने कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, देख के बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या तो फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए। चलो, ये मैंने बनाई है कोई नॉन बेंजोनेट कंपाउंड ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है मैंने? एक नॉन बेंजोनेट कंपाउंड ड्रॉ किया था। हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना बेंजोनेट और नॉन बेंजोनेट का, तो ये देख के हमें बताइए कि जो कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप किस तरीके से देखोगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे हम? पाई इलेक्ट्रॉन को। कितने हैं? तो सबसे पहली चीज तो देखते हैं कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं। तो ये प्लेनर है, ठीक है, दो रिंग है, प्लेनर। फिर देखेंगे लोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस है, तो आ है ये यहाँ पे, देन इधर 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 पूरी रिंग में क्या है? रेजोनेंस है। फिर आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने में, तो दो तो चार, दो छः तो आठ, कितने हुए टोटल? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखते ही, 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखते ही आप क्या करोगे? इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 2। तो कंपाउंड को क्या लिख दोगे? एंटी एरोमेटिक। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अरे ये कैसे गलत हो गया? अभी तो पिछले लेक्चर में बात की कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक है, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम करता है तो वो एंटी एरोमेटिक है। तो फिर यहां पर ये गलत क्यों हो गया? कैसे गलत हो गया ये? चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने सोचा हक्कल रूल से। किससे सोचा आपने? हक्कल रूल से सोचा। तो यहाँ पर जो है वो हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? हक्कल रूल तो हमको पता चल गया, हक्कल रूल क्या था वो हमको पता चल गया। यहाँ पे हम एक और रूल जो है वो इंक्लूड करेंगे, और एक रूल सीखेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रैक्स रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? क्रैक्स रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? क्रैक्स रूल। तो आइए हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं किसके बीच में। एक था हमारा जो हमने हकल ने दिया था, हकल रूल, ठीक है, और हकल रूल जो है हमारा क्या हो गया? फेल। तो कौन सा रूल लाए हम? कौन सा रूल लाए हम? हक्कल रूल। अगर हमारा फेल हो गया तो हम कौन सा रूल लाए? क्रेग रूल। क्रेग रूल लाए, क्रेग रूल लाए। तो चलिए दोनों में कुछ चीजें देखते हैं। तो हक्कल बाबा ने क्या बोला था? कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? हक्कल ने बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था अक्कल ने? प्लेनर होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, और क्या चीज बोली थी? साइक्लिक होना चाहिए। ये इतना बोल के हकल बाबा नहीं निकले थे, और भी कुछ बता के गए थे। तो हकल ने यहाँ पे क्या बताया था कि कंपाउंड मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोनोसाइक्लिक होना चाहिए।
इतना बोल के हकल बाबा निकल गए। फिर हकल बाबा ने फिर से ऐसा सोचा कि मोनोसाइकिल की तो बात करके निकल गया, अगर बच्चों ने नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन पढ़ा तो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि और अगर पॉलीसाइक्लिक है, क्या बोला, अगर पॉलीसाइक्लिक है तो वो क्या होने चाहिए, बेंजेनॉइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बेंजेनॉइड होने चाहिए। उन्होंने क्या बोला, बेटा अगर बेंजेनॉइड नहीं हुए, अगर आपके पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड बेंजेनॉइड नहीं हुए तो मेरे को फिर भूल जाओ, फिर मेरा रूल अप्लाई मत करना, गलत हो जाओगे तुम। तो हमने देखा था कि बेंजेनॉइड कंपाउंड कौन कौन से थे हमारे, मान लीजिए नेफ्थलीन लेके चलते हैं हम, क्या लेके चलते हैं हम, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है, प्लेनर है, ठीक है, कंजुगेशन है। तो हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन दो दो चार दो छह दो आठ दस, क्या दस पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो रूल क्या था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारा नेफ्थलीन क्या हुआ, हमारा नेफ्थलीन एरोमेटिक हो गया। ये तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है ना, तो जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया था जो दो 5 मेंबर रिंग्स थी वो भी तो हमारा पॉली रिंग पॉली साइक्लिक, तो वो भी हमारा क्या था, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड था। बट हकल ने बोल के गया था ना भाई, हकल अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो बेंजेनॉइड होना चाहिए, अगर नॉन बेंजेनॉइड हुआ तो मुझे भूल जाना, ठीक है, ये हकल रूल को भूल जाना। तो अभी उस नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड का क्या करें, तो उसके लिए क्या आया, क्रेग रूल आया, ठीक है, क्या आया, क्रेग रूल आया। तो क्रेग रूल में भी कुछ कंडीशंस है, क्रेग रूल में भी कुछ लिमिटेशंस है। तो आइए अभी हम चर्चा करते हैं क्रेग बाबा की, अभी हम हकल बाबा को भूल जाएंगे, ठीक है, अभी आधा आधा बता के चले गए खामखा हकल की वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गए। तो अभी हम किसको प्रायोरिटी देंगे, क्रेग को देंगे, इसको भी देंगे बट क्रेग को देंगे, कब, जब कंपाउंड कौन सा आएगा, नॉन बेंजेनॉइड आएगा, ठीक है। चलिए तो क्रेग ने क्या बोला, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था कि हकल ने बोल दिया कि बेंजेनॉइड होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम लगा दो, बात खत्म। बट क्रेग ने क्या बोला कि उस कंपाउंड के अंदर, उस जो नॉन बेंजेनॉइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। ये क्या बात हुई, ये तो कुछ नया आ गया, अभी तो हकल को मुश्किल से समझे थे, तो ये क्रेग C2 एक्सिस लेके आ गया। तो C2 एक्सिस क्या होती है, तो अगर हम चर्चा करें यहाँ पर थोड़ी सी C2 एक्सिस के बारे में, तो जनरली ये जो है हम ग्रुप थियरी में देखते हैं, पूरा ग्रुप थियरी में देखते हैं। तो C2 एक्सिस क्या है, चलिए क्या है हमारी C2 एक्सिस। तो मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, ये सारे ग्रुप सेम है, ठीक है, ये सारे ग्रुप क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, सेम ऐसा एक कंपाउंड और है हमारे पास, चलिए। अभी C2 एक्सिस बोले तो क्या होता है कि आपका कंपाउंड है उसको 180 रोटेट करवाना है, कितना रोटेट करवाना है, 180 डिग्री रोटेट करवाना है, कितना रोटेट करवाना है, 180 डिग्री रोटेट करवाना है। अगर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद एज इट इज कंपाउंड मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस प्रेजेंट बोलेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड है उसका पकड़ेंगे सर, उसको 180 घुमाएंगे, अगर एज इट इज आया तो क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस प्रेजेंट है ऐसा बोलेंगे, नहीं आया तो C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। अभी कैसे देखिए, ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है, तो इसके सेंटर में से मैंने एक ये मान लीजिए, ये उसका सेंटर है, इसके सेंटर से पकड़ के मैंने इसको 180 घुमा दिया, कितना घुमा दिया, 180 घुमा दिया। तो क्या होगा, ये दो ग्रुप इस साइड आ जाएंगे और ये दो ग्रुप किस साइड आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। बट जो 180 घुमाने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो तो ऐसा का ऐसा ही मिलेगा ना, इस तरीके से, क्योंकि ये चारों ग्रुप क्या है, सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारी C2 एक्सिस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हमारी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। चलिए ये तो समझ में आ गया प्रेजेंट। अगर हम बात करें ये वाले में,
ये वाले में अगर हम बात करें तो जो अगले वाले में किया वही अगर हम यहाँ पर करना चाहें, यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में से एक डंडा घुमाया, ठीक है, सेम चीज अगर यहाँ पे करें हम, यहाँ से सेंटर में से एक पकड़ के अगर इसको घुमाया 180 तो गजब ही हो गया। क्या हो गया, 180 घुमाया, ये ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, ये ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। तो जो मिलने वाला कंपाउंड है 180 घुमाने के बाद वो इसके जैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे C2 एक्सिस जो है हमारी प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है हमारी, C2 एक्सिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरीके से आप कोई भी कंपाउंड लें उसमें से आप पता कर सकते हैं कि इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है या तो नहीं है। अगर अगर हम बात करें बेंजीन की बात करें, हम किसकी बात करें, बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन में क्या होता है, C2 एक्सिस हमारी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक कोई मिडल में से लाइन पास करके उसको 180 घुमाने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा कि आफ्टर रोटेशन यू गॉट द सेम स्ट्रक्चर। सो क्या हो गया, C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्रेग ने क्या बताया कि भाई C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए और कुछ ना देखो, पहले क्या देखो, C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। ले ये तो क्रेग बाबा ने क्या बोल दिया। तो चलो मान लीजिए, देख भी लिया C2 एक्सिस प्रेजेंट भी है, फिर भी पता कैसे करेंगे कि कंपाउंड कौन सा है, एरोमेटिक है या तो फिर एंटी एरोमेटिक है। तो जब क्रेग ने बताया तो यहाँ पे जो है एंटी एरोमेटिक का कोई कंसेप्ट लागू नहीं होगा, कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे पता चल गया C2 एक्सिस प्रेजेंट है, अभी कैसे पता करेंगे, अभी हम करेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन करेंगे, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन करोगे आंसर ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। तो अगर आंसर इवन आया, इवन आया तो क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। क्या होगा वो, एरोमेटिक, क्या होगा वो, एरोमेटिक होगा। और अगर ओड आया, अगर ओड आया तो वो कंपाउंड कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कैसे, तो पहले तो चीज ये है कि हकल रूल और क्रेग रूल के बारे में एक मेन डिफरेंस क्या है कि नॉन बेंजोनेट और बेंजोनेट कंपाउंड के बीच का है। यहाँ पे बेंजोनेट कंपाउंड देखते थे, यहाँ पे नॉन बेंजोनेट कंपाउंड देखते थे, और यहाँ पे C2 एक्सिस देखते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करते थे, 4n+2π इलेक्ट्रॉन का रूल यूज करते थे। बट यहाँ पे चीज ये आएगी, अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन करना है। अगर ओड मिलता है तो नॉन एरोमेटिक है, अगर इवन मिलता है तो वो एरोमेटिक है। तो ये सिंपल सी चीज किसने बताई, क्रेग ने बताई। तो आइए अब भी हम क्या करते हैं, कुछ क्रेग रूल के एग्जांपल देखते हैं, एक आध दो, काफी सारे एग्जांपल देखेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी काफी सारे क्लास ऑफ कंपाउंड आते हैं, होमो एरोमेटिक आते हैं, क्वासी एरोमेटिक्स आते हैं, एन्यूलिन्स आते हैं, एज्यूलिन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट फिलहाल दो एग्जांपल देखते हैं कैसे, तो वही एग्जांपल लेंगे हम, पुराने वाले जो बरसों से हम यूज करते आ रहे हैं वही लेंगे हम, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगी, नॉन बेंजोनेट रिंग अकॉर्डिंग टू, जब हमने हकल रूल लगाया तो ये क्या, कौन सा आया था, एंटी एरोमेटिक आया। चलिए तो पहली चीज क्या देखेंगे, बेंजोनेट है जी नहीं, ये कौन से है, ये तो वो है ना, नॉन बेंजोनेट वाले है। कौन से है, ये तो नॉन बेंजोनेट वाले है। कौन सा रूल यूज होगा, क्रेग रूल। चलिए पहले क्या देखेंगे, C2 एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए तो यहां से सेंटर पकड़ा मैंने इसको, यहां से इसको मैंने घुमा डाला, 180 घुमा डाला। तो अगर आप ऐसे देखोगे इस कंपाउंड को, ऐसे पकड़ के आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे, क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इस साइड की रिंग इस साइड आएगी, इस साइड की रिंग इस साइड आएगी, बट एट द एंड स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कैसा का कैसा रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
यानी कि यहाँ पर क्या है, सी टू एक्सिस प्रेजेंट है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तो आगे देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन, फोर माइनस वन कितना आया, थ्री। थ्री बोले तो ओड कौन सा हो गया, है नॉन एरोमेटिक हो गया। ले अब व्हीकल रूल की मदद से हमने जब निकला था तो ये कौन सा आया था, ये तो एंटी एरोमेटिक आया था। ये अब कौन सा आ गया, नॉन एरोमेटिक आ गया। कौन सा आ गया, नॉन एरोमेटिक आ गया। ठीक है, तो क्या देखा हमने, क्या देखा हमने, इसको पकड़ के 180 घुमाया तो हमने क्या देखा कि सी टू एक्सिस प्रेजेंट है। हाँ है। फिर क्या लगाया हमने, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन लगाया। ओ ओड आया, कौन सा आया, ओ कंपाउंड कौन सा हुआ, नॉन एरोमेटिक। अगर और एक एग्जांपल लेके चले, लेके देखे ये, सो दूसरा एग्जांपल हमारा ये ही है, ये भी बरसों पुराना है। ये भी हमारा बरसों पुराना एग्जांपल है। कितने बरसों पुराना है, काफी साल पुराना एग्जांपल है ये हमारा। ठीक है, तो चीज ये है कि यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो पहली बात क्या देखेंगे, C2X देखेंगे। ये हिले, यहाँ से बीच में पकड़ के घुमा डाला, 180 घुमा डाला, पकड़ के रोटेट कर दिया 180। सेम चीज मिलेगी, ये रिंग इस साइड पूरा ऐसा 180 जब घुमाएंगे इसको, जब पकड़ के 180 रोटेट करेंगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अगर सेम कंपाउंड मिल गया, अगर सेम कंपाउंड मिल गया तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सेम कंपाउंड मिल गया, C2X is present है। अभी क्या देखेंगे हम, अभी देखेंगे कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस वन कितना आया, 5। कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया, टोटल नंबर ऑफ कितने आए, कितने आए, ओड आया, इवन आया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है ओड है, क्या है, ओड है। तो अगर कंपाउंड हमारा ओड है, सॉरी जो हमने नेगेटिव लिया हमने वो अगर ओड है, तो क्रेग ने क्या बोला था, अगर ओड है तो क्या करना है, क्या करना है, ओड है तो नॉन एरोमेटिक। कौन सा है ये, तो ये बात हुई कि अभी आप स्ट्रक्चर देख के इजीली पता कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या तो फिर कौन सा है, एंटी एरोमेटिक है। तो जनरली अगर मोनोसाइक्लिक रिंग्स है और अगर पॉलीसाइक्लिक में भी बेंजोनेट्स रिंग है तो हम किसके चरणों में जाएंगे, हकल के चरणों में जाएंगे। ठीक है, अगर हकल से काम नहीं हुआ, रिंग अगर नॉन बेंजेनॉइड निकली, फिर हमको क्रेग बाबा को हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि अभी आप बताइए, क्या बताए, अभी आप बताइए, अभी हकल से काम नहीं हो रहा है। तो तब हम कहां पे आएंगे, क्रेग के पास आएंगे। तो अभी ये सारी चीजें जो है वो आपको देख के कुछ कुछ चीजें जो है समझ में आई भी होगी, कुछ कुछ चीजें क्लियर होगी। जब हम कुछ कंपाउंड्स लेके आएंगे और पता करेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या तो फिर एंटी एरोमेटिक है, तो वहां से क्या होगा कि चीजें जो है हमारी और क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड लेके क्लियरिफाई करेंगे, जो कंपाउंड को कैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में करना है वो थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में, इस लेक्चर को हम यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ।